अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 27 प्रॉब्लम 6 है। वो कहता है स्टैंडर्ड फ्लैशलाइट बैटरी है जो डिलीवर करती है 2 वाट आर की एनर्जी बिफोर इट रन्स डाउन, खत्म होने से पहले। बैटरी की कॉस्ट वो कहता है 0.8 US डॉलर है। कॉस्ट ऑपरेटिंग 100 वाट लैम्प 8 आर के लिए कितनी बैटरियां लगेंगी एक तरह से। वो कहता है बैटरियों की कॉस्ट बताओ जी कितनी होगी। अब हम जानते हैं एनर्जी को पावर और टाइम से जरब दें, तो ये पावर वाट में है, टाइम आवर्स में कंसीडर कर लें। तो 100 वाट इंटू 100 वाट के लिए आपने चलाना है लैंप कितनी देर के लिए, 8 घंटे के लिए, तो 800 वाट आवर हो गए। अब नंबर ऑफ बैटरियों की बात की जाए तो एनर्जी नीडेड मुझे पता लग गई 800 वाट आवर है, और एक बैटरी कितना ले रही है 2 वाट आवर, तो इससे पर बैटरी में से निकल आएगा तो 400 बैटरियां निकल आएंगी। तो इसका 400 बैटरियां, एक बैटरी की कीमत पता है, तो मिलके ये $320 बनेंगे आपके पास 8 घंटे के लिए चलाने के लिए। इसका दूसरा हिस्सा है, वो कहता है क्या कॉस्ट होगी अगर आप US डॉलर 0.06 पर किलोवाट पे यूज करते हैं एनर्जी को। अब हम जानते हैं कि भाई पावर इंटू टाइम के साथ आ जाएगा, यहाँ से किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, 1000 से डिवाइड कर दिया, ये 1000 किलो बन जाएगा, तो ये आपके पास 0.8 किलोवाट आवर आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर क्या जनाब, एनर्जी की कॉस्ट हमें पर किलो आवर बताई गई है कि 1 किलोवाट आवर इतने का पड़ता है, तो हम कहेंगे कि 0.8 किलोवाट आवर कितने का पड़ेगा, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके तकरीबन 4.8 सेंट का बनेगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।